जीत के बाद देश भर में आम आदमी पार्टी पांव पसारने की तैयारी में है। जी हां, 23 फरवरी से आम आदमी पार्टी का राष्ट्र निर्माण कैंप शुरू कर रही है। मंत्री गोपाल राय ने बताया कि हर राज्य में ये कैंपेन चलाया जाएगा। 1 करोड़ लोगों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। जी हाँ, बता दें आपको कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की बंपर जीत हुई है और केजरीवाल फिर से सत्ता में बने हैं। बता दें आपको कि केजरीवाल ने शपथ भी ग्रहण कर ली है मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो वहीं अब केजरीवाल के काम भी शुरू हो गए हैं। जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने अपने काम के नाम पर वोट मांगा था, उन्होंने जिस तरह से जनता से अपील की थी कि अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट दें, नहीं किया है तो वोट मत दें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने जो काम कहा था इन 5 सालों में उन्हें पूरा करने की कोशिश की है, जो काम अधूरे रह गए हैं मैं वो आने वाले 5 सालों में करूंगा। इन सब वादों को लेकर केजरीवाल जो है चुनाव लड़े और जनता ने उन्हें जिताया। वहीं बीजेपी की करारी हार भी हुई है, वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।